हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी सुपर फास्ट चटपटी बहुत ही टेस्टी ब्रेड चाट। इसके लिए दो बड़े आलू लिए थे मैंने, जिन्हें उबाल लिया था। उबालने के बाद हमने इन आलूओं को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो बस इसके बाद अब हमने इसमें लगभग आधा कटोरी जो है पीनट को रोस्ट करके मूंगफली वो ऐड करना है। साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई प्याज, हरी प्याज और गाजर को कद्दूकस करके वो ऐड कर लेना है। साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लंबा लंबा कट करके पत्ता गोभी भी ऐड किया है। और बस इसी के साथ हमने हरा धनिया और हरी प्याज इन्हें भी बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है। अब बस इसी के बाद हमने कुछ मसाले ऐड करना है। सबसे पहले नमक, एक छोटा चम्मच नमक डाला है और सारे मसाले मैंने आधा छोटा चम्मच से एक चम्मच के बीच में लिए हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लास्ट में ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। बस मसाले ऐड करने के बाद ऐड करेंगे हम इसमें चटनियाँ। सबसे पहले हरी मिर्च और धनिया की चटपटी तीखी चटनी वो ऐड करना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद ऐड करना है हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो बस चटनियाँ भी हमने ऐड कर दी है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा फ्लेवर जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस ये लीजिए, हमारा जो चटपटी चाट का मसाला है बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम हमारी ब्रेड तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेड ली हैं। अब इन ब्रेड को जो है साइड के जो हमारे ये इस तरह से कोने हैं इन्हें हमने कट कर देना है। तो बस अब इसी तरह से हमने हमारी दोनों ब्रेड जो है तैयार कर लेनी है। तो ये लीजिए, हमने सारे कोने जो है कट कर लिए हैं। अब बस इसके बाद हमने बीच से इन ब्रेड को इस तरह से और कट करना है और एक ब्रेड के चार पीस जो है कर लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। बस हम दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो बस ब्रेड भी हमारी कट करके हो गई है। अब हम एक प्लेट में इन ब्रेड को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो बस ये लीजिए, हमारी ब्रेड भी बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद जो मसाला हमने बना के रखा था आलू वाला, हम हमारी ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। तो बस ये लीजिए, हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। बस लास्ट में अब हम इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। अब बस लास्ट में हम थोड़े से अनार के दाने और इसमें ऐड कर देंगे। और बस लास्ट में अब हम इसमें जो बारीक वाले सेब हैं हमारे वो ऐड कर देंगे। और बस इसी के साथ हमारी ब्रेड की चटपटी चाट जो है बन करके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी सुपर फास्ट, बहुत ही फटाफट ये चाट बनके तैयार हो जाती है। बिना किसी तेल के, बिना किसी तामझाम के फट से हमने चाट बना के तैयार कर लिया और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।